पहले रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात और समानुपात, हिंदी में अनुपात और क्या, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। दोस्तों एक बात बता, दोस्तों आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी का मैं वेरीफाइड एजुकेटर हूं, वहां पर बहुत सारे मैंने लगभग पूरा मैथ पढ़ा ही दिया है, मैंने सारी वीडियो डाल दिया, फ्री में जाकर देख सकते हैं। अनअकैडमी का नीचे मैं लिंक दे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, और मैंने पूरा एडवांस मैथ वहां भी पढ़ा दिया है, अगर आप एडवांस मैथ भी पढ़ना चाहते हैं, पूरा अंक गणित पढ़ना चाहते हैं, नंबर सिस्टम, तो नीचे मैं लिंक दे दे रहा हूँ कुछ वीडियो का, आप उस वीडियो को चलाकर अनअकैडमी पर पहुँच जाइए, और ग्रीन कलर में वहाँ पर फॉलो बटन होगा, उसे आप दबाकर फॉलो कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि वहाँ भी मैं जितनी वीडियो डालता हूँ वो भी आपको मिलते रहेगा। थैंक यू। अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हम यहाँ पर रेशियो के बारे में समझाएंगे। रेशियो, रेशियो यानी क्या, अनुपात कहते किसे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। आप इसे लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। रेशियो किसे कहा जाता है, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। जैसे ए और बी अनुपात दे दिए, तो ए और बी के बीच तुलना होता है, अनुपात का मतलब होता है तुलना होना एक दूसरे से, कैसे, क्योंकि अनुपात का मतलब बटा का चिन्ह होता है। दोस्तों अगर चार अनुपात दो लिखा है, आप चार बटा दो लिख सकते हो, अनुपात का मतलब बटा ही होता है, समझ लीजिए। अब दो से चार को दो बार में आप काट सकते हो, दो से चार को दो बार में काट सकते हो, यानी इसका इकाई गुना है, दो गुना है, तो तुलना हुआ ना इसमें। दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। तो रेशियो समझ गए आप, यानी अनुपात समझ गए। अब समानुपात किसे कहते हैं, समानुपात यानी प्रोपोर्शन। तो जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तब समानुपात का कहलाता है, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तब समानुपात का केस कहलाता है। जैसे मान लिया जाए कि ए अनुपात बी और फिर सी अनुपात डी, ये दोनों अनुपात आपस में बराबर है, ये समानुपात का केस कहलाएगा। दोस्तों आप ए अनुपात बी, समानुपात का चिन्ह ऐसे होता है, यहाँ दो गो डॉट है तो अनुपात, और चार गो डॉट है तब समानुपात, सी अनुपात डी। ध्यान देना है एक चीज बहुत जरूरी है, ए अनुपात बी को आप ए बट्टा बी भी लिख सकते हैं, ए बट्टा बी के रूप में भी लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है, ध्यान देना है। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ए अनुपात बी को ए बटा बी के रूप में भी लिखा जाता है। चलिए अब आप बताइए, अनुपात का मतलब बट्टा और बट्टा का मतलब अनुपात, इतना समझ गए, और समानुपात के मतलब होता है बराबर का चिन्ह, बराबर के मतलब समानुपात का चिन्ह, ठीक है। अगर समानुपात का चिन्ह है उसे हटाकर आप बराबर का चिन्ह दे सकते हो, और अनुपात को हटा के आप बट्टा का चिन्ह लगा सकते हो, वही बात है, ठीक। तो अब चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, एक बात सुन लीजिएगा कि ए अनुपात बी को ए बट्टा बी लिख सकते हैं ना, और सी अनुपात डी को सी बट्टा डी लिख सकते हैं, और क्या होता है समानुपात में, देखिए ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, ए अनुपात बी रहे सी अनुपात डी रहा, समानुपात के बदले बराबर लिखे। अब ए अनुपात बी को ए बट्टा बी बराबर सी अनुपात डी को सी बट्टा डी, बराबर में क्रॉस गुना होता है, ये आपको भी पता होगा, ए गुने डी हो जाएगा और बराबर ये बी गुने सी हो जाएगा। दोस्तों एक रिजल्ट हमें निकल के आया, क्या, कि जब समानुपात का केस होता है ना तब बाहर और बाहर वाला गुना हुआ, ए गुने डी हुआ, और अंदर अंदर वाला गुना हुआ, यानी बी गुने सी हुआ बराबर में। हम कह सकते हैं कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात का केस कहेंगे, और समानुपात के केस में आउटर आउटर का गुना तथा इनर इनर का गुना होता है। इतना बात समझ गए हैं, लिख लीजिए, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो
तो समानुपात का केस कहलाएगा, और समानुपात के केस में आउटर आउटर तथा इनर इनर का गुना होता है। हम बढ़ेंगे अब आगे, ठीक है। आप देखो दोस्तों, आपसे क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन दे देगा किसी समानुपात के तीन पद, किसी समानुपात, किसी समानुपात के तीन पद, तीन पद, तीन पद चार छ आठ है, तो चतुर्थ पद ज्ञात करें, चतुर्थ पद ज्ञात करें, क्या करें, ज्ञात करें। किसी समानुपात के तीन पद चार छ आठ है तो चतुर्थ पद ज्ञात करें। सुनिए, चार छ आठ है, चतुर्थ पद निकालना है। यहाँ अनुपात, यहाँ भी अनुपात दे दिए। जब दो अनुपात आपस में बराबर होगा तभी समानुपात का केस कहलाएगा। चार छ आठ है, चौथा x माना, अब इसको हम आपस में बराबर कर देंगे तब ये कहलाएगा समानुपात का केस। चार छ आठ था, चौथा पद निकालना था, चार छ आठ चौथा माना x, एक अनुपात इधर एक अनुपात इधर, आपस में किया बराबर। जब दो अनुपात कितने, जब दो अनुपात आपस में बराबर रहेगा तो हम कहेंगे समानुपात का केस। और हाँ दोस्तों, समानुपात के केस में आउटर आउटर का गुना तथा इनर इनर का गुना होता है। अब बताइए, गुना हो गया चार में एक्स से तो चार एक्स हो गया, और छः गुने आठ अड़तालीस हो गया, चार से अड़तालीस को काटा बारह बार में, एक्स का वैल्यू आपको कितना आया, बारह आया। एक्स का मान कितना गया, बारह आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं कि किसी समानुपात के तीन पद चार छः आठ दिया, अगला चार छ आठ दस मार दिए, ऑप्शन में देगा, हाँ चार छ आठ बोला तो कुछ लोग कहेंगे चार से दो बढ़ा छः, छः से दो बढ़ा आठ, आठ दो दस कर देते हैं, लेकिन वहाँ गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि आपने ये सीरीज का क्वेश्चन समझ के, रीजनिंग समझ के आपने ऐसे बना दिया। वहाँ स्पष्ट कह दिया किसी समानुपात के ये तीन पद हैं, अब आपको उस समानुपात का ही चौथा पद बताना है, ठीक। तो चार छः आठ न करके, चार छः आठ दस न करके आप कुछ सिस्टम से चलना होगा कि समानुपात के केस में आउटर आउटर तथा इनर इनर का गुना होता है। दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम छोटी छोटी बात करेंगे। पहले यदि ए अनुपात बी बराबर दो अनुपात तीन तथा बी अनुपात सी बराबर तीन अनुपात पाँच, तो हमें पूछा जाए ए अनुपात बी का मान कितना। सिंपल बात, ए का मान यहाँ दो है और बी का मान यहाँ तीन है, पहले वाला का मान इधर पहले वाला, बाद वाला का मान इधर से बाद वाला, क्लियर है। चलिए हम बात करेंगे ए अनुपात बी बराबर, इसको हम लिखेंगे दो अनुपात तीन। दोस्तों, ए का मान दो बी का मान तीन, सामने सामने लिख दिए। अच्छा, फिर बी अनुपात सी है, बी अनुपात सी है तीन अनुपात पाँच। एक बात बताइए, ये दूगो ग्रुप में कॉमन कौन, यहाँ ए और बी और यहाँ बी और सी, तब बी हुआ कॉमन, कॉमन कौन हुआ, बी हुआ। दोस्तों, जब बी कॉमन है, जब बी कॉमन है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी में, कॉमन कौन हो गया, कॉमन कौन हो गया, बी कॉमन हो गया, तो कॉमन वाला का मान समान होना चाहिए। हाँ, मान किसका समान होना चाहिए, कॉमन वाला का। अब सुनिए, कॉमन वाला का वैल्यू यहाँ तीन यहाँ भी तीन, बिल्कुल ठीक है। तो ए अनुपात बी, सॉरी यहाँ लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है, तो चलिए 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 देखते हैं। यहाँ पर रख दीजिए, बी का वैल्यू दोनों जगह समान है ना, यहाँ भी तीन यहाँ भी तीन, तो कुछ ना करना, ए का मान दो बी का मान तीन, बी का मान तीन और सी का मान पाँच, दो अनुपात तीन अनुपात पाँच हो गया आपको ए बी सी का मान। अब आप कहेंगे सर अगर समान न रहता तब, तो देखते हैं, देखिए क्वेश्चन बदल देते हैं, ए अनुपात बी दो अनुपात तीन, यहां कर देते हैं चार अनुपात पांच। तो हमें पता चला है कि ए अनुपात बी दो अनुपात तीन है, और सुनो सुनो बी अनुपात सी चार अनुपात पांच है, चार अनुपात पांच है। अब एक बात बता दीजिए मुझे, क्या एक बात बता दीजिए, यहाँ बी का मान कितना है तीन, यहाँ बी का मान कितना है चार,
तो कॉमन वाला जो रहेगा इधर ए बी आ इधर बी सी, तो बी कॉमन है, ए इधर है इधर ए ना ना है आ इधर सी है तो इधर सी नहीं ना है, बी इधर भी है आ बी उधर भी है, अरे बी दोनों तरफ है तो बी कॉमन हुआ। जो हाल दिल का इधर हो रहा है वो हाल दिल का उधर हो रहा है, तो वो जो दिल का हाल है वो कॉमन हाल है, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको आपको बैलेंस करना चाहिए, बैलेंस करेंगे इधर तीन के पहाड़ा में क्या आएगा जो चार के भी पहाड़ा में आएगा, आप जानते हो तीन दूना छः, तीन तिय नौ, तीन चौके बारह, चार दूना आठ नहीं मिला, चार तिय बारह मिल जाएगा, समझ रहे हो, यानी बारह दोनों के पहाड़ा में आता है, यानी हम ये सोच सकते हैं कि इसको भी बारह बना दे तो इसको भी बारह बना सकते हैं, इसको बारह बनाने के लिए कितना से गुना, तीन से, और जब गुना होगा तो पूरे टर्म में तीन से तीन पचे पंद्रह, तीन चौके बारह। अब आप सोच रहे होंगे काहे पूरे टर्म में कर रहे हैं गुना, तो इसके लिए हम अभी बताएंगे। पहले सुनिए, बी का मान बारह हो गया, सी का मान पंद्रह हो गया, अब बी का मान यहां तीन है, इसको बारह बनाने के लिए कितना से गुना करना होगा, यहां चार से करना पड़ेगा तब नहीं बारह होगा, तो चार तिय बारह, आ ई चार दूना क्या हो जाएगा आठ, ई कितना हो जाएगा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो कॉमन वाला है उसका मान हर जगह समान ही रहना चाहिए। अब एक बात, हमें ए बी सी का मान लिख देना है, ए का मान देखो बी का मान दोनों जगह समान हो गया, ए का मान आया आठ, बी का मान बारह, सी का मान पंद्रह, आपका आंसर हो गया आठ बारह पंद्रह। चलिए और कोई संख्या ले लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए यहां हम कुछ और ले लेते हैं, ठीक, ए अनुपात बी बराबर हम तीन अनुपात पांच ले लिए और यहां ले लेते हैं चार अनुपात सात, ठीक। तो देखिए ए अनुपात बी का मान तीन अनुपात पांच हुआ, बी अनुपात सी चार अनुपात सात हुआ, यहां बी का मान चार, बी का मान पांच। अच्छा एक बात, मैंने बोला था कि हम गुना करेंगे तब पूरे में, क्यों, क्योंकि तीन अनुपात पांच है, इसका मतलब तीन बट्टा पांच है। सोचो दोस्तों अगर इसमें आप जितना से गुना कर दिए कोई भी संख्या से, तो आप ऊपर में भी उतना ही से गुना करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि तीन से तीन गया फिर वो तीन बटा पांच ही है, इसलिए मान ना बदले इसके लिए हम पूरे टर्म में गुना करते हैं, यानी ये गणित का रूल है कि उसके पर काम करने के बाद भी कोई प्रभाव ना पड़े काम का, आए समझ में। अब देखिए बी का मान यहां पांच और बी का मान यहां चार है, क्योंकि बी कॉमन है तो बी को ही देखेंगे, तो इसको हम क्या बना सकते हैं, जो इसको भी बना सकते हैं, हाँ चार के पहाड़ा में बीस आता है, पांच के भी पहाड़ा में बीस आता है। अब इसको बीस बनाने के लिए हमें पांच से गुना करना होगा, तो पूरे में करेंगे पांच सते पैंतीस, पांच चौका बीस, इधर कर देंगे हम कितना से चार से, चार पचे बीस, चार तेज बारह, बारह बीस पैंतीस, ए का मान बारह, बी का मान बीस, सी का मान पैंतीस, बारह बीस पैंतीस, बारह बीस पैंतीस, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा ए अनुपात बी बराबर दो अनुपात तीन, बी अनुपात सी बराबर चार अनुपात पाँच, सी अनुपात डी बराबर आठ अनुपात पाँच, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा जा सकता है, या आपसे ए अनुपात डी पूछा जा सकता है, ये दो तरह से क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, इसी में ए से ए बी सी डी का रेशियो पूछ लेगा या ए अनुपात डी का रेशियो पूछ लेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस टाइम हमें क्या करना चाहिए। देखो ए अनुपात बी का वैल्यू दो अनुपात तीन हो गया, ए अनुपात बी का वैल्यू कितना हो गया दो अनुपात तीन, तो ए अनुपात बी का वैल्यू दो अनुपात तीन, तो दो अनुपात तीन लिख दिया हमने। अब बी अनुपात सी का मान हमें चार अनुपात पाँच है, लिख लिया। अब सी अनुपात डी का वैल्यू कितना है आठ अनुपात पाँच है, हम देख रहे हैं सी का मान यहाँ आठ है, सी का मान यहाँ पाँच है। अच्छा सी कॉमन है हाँ, अब बी कॉमन है, कॉमन वाला के वैल्यू समान होना चाहिए, यहाँ आठ है यहाँ पाँच है, तो अगर इसको हम चाहे तो 40 बना सकते हैं 5 से गुना करके, ई 40 होगा 5 से गुना करने पर, तो ई 40 होगा 8 से गुना करने पर, तो 800 का ये 32 हो जाएगा, 3 को आप 32 नहीं बना सकते हैं। सुनिए हाँ ये देखिए
8 से जब करते हैं तो इससे हम ज़्यादा से गुणा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कोई भी, जैसे मान लिए कि हम अभी हम 5 से करते हैं तो 25 8 पचे 40, यहाँ हम कितना से कर सकते हैं, अगर 5 से करते हैं तो ये 40 नहीं बनता है तो हम 8 से कर देंगे, 8 पचे 40, 8 चौके 32। अब ये कैसे बैलेंस होगा, तो बैलेंस करने के लिए हम 32 को क्या बना सकते हैं, जो 3 को भी बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर 3 से इसमें 32 से कर दें हम एक के बार, अच्छा 32 दूना 64 नहीं होगा, 32 तिहाई 96 और 32 दूना 64 इधर हो गया, इसको भी हम बना सकते हैं 96 3 से गुना करके, तो 40 तिहाई 120 और देखिए 32 तिहाई कितना 96, बी का मान 96, बी का मान 96, और इसको भी जब सी का मान यहाँ 120 है तो इसको भी 120 बनाने के लिए 3 से, तो 25 तिहाई 75, 40 तिहाई 120। अब हो गया सी का मान हर जगह 120, बी का मान हर जगह 96, ठीक है। तो जो अब आप वहाँ रख दो मान, ए का मान आपका 64, बी का मान है हर जगह 96, सी का मान आपका हर जगह है 120 और डी का मान आपका है 75। चलिए अब कोई एक संख्या से अगर कटता तो इस पूरे को काट देते, नहीं कटेगा तो रहने देंगे। चलिए आगे बात करते हैं, और अगर ए अनुपात डी पूछा जाए तो ए है आपका 64 आया है और डी का मान पूछा जाए तो 75 आया है, आपका आंसर हो गया 64 अनुपात 75। एक बात और दोस्तों, ये तो तरीका हुआ ही हुआ, अगर कभी अक्सर आपको क्या पूछ लेगा, ए बी देगा, बी सी देगा और सी डी देगा, और आपसे पूछा जाएगा ए अनुपात डी का मान, ऐसे सवाल में तो पूछेगा आपको ए अनुपात डी बराबर क्या होगा। ए अनुपात डी का मतलब ए बट्टा डी का मान निकालना है, तो जब ए बट्टा डी का मान निकालना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ए बट्टा बी गुना बी बट्टा सी गुना सी बट्टा डी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो भाई, देखो ये बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो ए बट्टा डी बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा। तो ए बट्टा बी का मान कितना है 2/3, आप रख दो। बी बट्टा सी यानी बी अनुपात सी यानी बी बट्टा सी कितना है 4/5 और सी बट्टा डी कितना है 8/5। दोस्तों हम काटेंगे कितना कटेगा, नहीं कटेगा, तो 2 × 4 = 8, 8 × 8 = 64 और नीचा 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 75 नहीं कटा, बोलिए 64 अनुपात 75। एग्जाम में अक्सर सवाल ऐसे ही पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा समय इंक डाल दूं। आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दे, अब डी तक ही रहता है, डी तक भी निकल जाएगा आप लोगों से। हैं दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, आपको कहे तीन संख्या 1:2/3 में है तथा उनका HCF 12 है, ठीक, तो वह संख्या होगी तीन संख्या पहला दूसरा तीसरा 1:2/3 में, ये संख्या का रेशियो है, उनका HCF 12 है। 1, 2, 3 का HCF ले लीजिए, 1, 2, 3 का HCF कितना होगा 1, आप मसा बनाना जानते होंगे, सबसे छोटी संख्या 1 है, 1, 2, 3 का HCF 1 होगा, जबकि HCF 12 है, ये दोनों HCF है इसीलिए आपस में बराबर हुआ, तो 1 का वैल्यू 12, यहाँ भी 1 का वैल्यू 12,
बारह दूना चौबीस, बारह तीय छत्तीस, यानी संख्या बारह चौबीस छत्तीस। ठीक, चले आगे। चलिए अगर मान लीजिए दोस्तों ऐसे ही दिया जाए कि तीन संख्या एक दो तीन के अनुपात में है और उनका एलसीएम एलसीएम 36 है, एलसीएम दे दिया गया, तो संख्या आपको पता है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, एक अनुपात, दो अनुपात, तीन में आपको एलसीएम दिया गया, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। एक दो तीन का एलसीएम कितना? छ, छ बराबर कितना? 36। तो एक का वैल्यू कितना? छ, छ का वैल्यू 36, तो एक का वैल्यू कितना? 6 से 36 को काटोगे, 6 बार में, एक का वैल्यू 6। अब आपको संख्या निकल गया 6, 6 दूना 12, 36 18, 6 12 18 हो गया, हो गया। बढ़ते हैं आगे। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों संख्या दिया और इनका योग, योग दे दे आपको, मान लीजिए कि 24, तो आपसे पूछ देगा उनका योग 24 है तो एलसीएम क्या होगा। तीनों संख्या है, संख्या पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों संख्या एक अनुपात, दो अनुपात, तीन के अनुपात में, योग 24 है, योग ले लीजिए यहां, एक दो तीन आ तीन छ। जब रियल वैल्यू जो दिया जाएगा ना अनुपात वाला का वही लीजिएगा, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? 24 हो जाएगा, तो 6 चक्के 24 4 हो जाएगा, 6 चक्के 24 तो 4 हो जाएगा। अब ये लो 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 इकाई 4। अब आप इसका एलसीएम तो बना ही सकते हो, 24 ही हो जाएगा। दूसरा आप ऐसे भी बना सकते हो, आपको अनुपात एक का मान पता चल गया ना 4, तो पहले अनुपात में एलसीएम बना लो, अनुपात में एक दो तीन, ये अनुपात वाले सारे संख्या का जब हम एलसीएम बना लेंगे दोस्तों, एलसीएम एक दो तीन का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। जब एलसीएम बनाएंगे तो कितना आएगा? 6, और अनुपात एक का वैल्यू 4 है तो 6 का वैल्यू 6 चक्के 24 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए और दोस्तों हम और सारी बातें करेंगे अगले क्लास में, और एकदम ये बेसिक था, ये उन लोगों के लिए था, वैसे स्टूडेंट के लिए था जो एकदम रेशियो में कुछ नहीं जानते हैं, तो छोटी से छोटी चीज़ें सीखने के लिए ये क्लास था, न कि बहुत हाई लेवल, इसमें हाई लेवल तो कुछ था ही नहीं, मतलब मैंने वैसे लोगों के लिए ये क्लास ले लिया है जो साफ रेशियो नहीं जान रहे थे और उनको अब आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सोमवार को क्लास केवल बंद रहेगी, ठीक है, 14 जनवरी को फिर हम लोग मिलते हैं।